विशेष बैठक में हमारे देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता, देश के क्या विश्व भर में लोकप्रियता के शिखर तक रहे, आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के निधन पर हमने शोक प्रस्ताव किया केंद्र को भेजा है। और शोक प्रस्ताव के साथ साथ में 2 मिनट का मौन रखा और इसके पश्चात जो है हमने कुछ 2-3 विषयों पर और बातचीत की, उन्हें आपसे साझा करना चाह रहा हूं। हमने आज की इस बैठक में प्रस्ताव रखा कि एक तो अटल जी का हिमाचल के साथ बहुत नजदीकी संबंध था। सार्वजनिक मंचों से हमने कई बार इस बात का जिक्र किया कि हिमाचल मेरा एक तरह का दूसरा घर है, और ये सिर्फ कही नहीं, बातों में अपने व्यवहार में भी दिखाई। प्रधानमंत्री रहते हुए भी वो हिमाचल प्रदेश में चाहे थोड़े वक्त के लिए आते थे, लेकिन उसके बावजूद 3-4 दिन के लिए हमेशा वो मनाली में अपने प्रेमी में वहां रह करके बिताते थे। और हमारे लिए सचमुच में इससे बड़ा विषय क्या हो सकता है हिमाचल प्रदेश के लिए, कितना बड़ा नेतृत्व हिमाचल को अपना घर माने और घर में आकर के रहने के लिए आए और वहां का जिक्र पूरे देश दुनिया में अपनी बात में करता रहे। आज की इस कैबिनेट मीटिंग में हमने जहां अटल जी को श्रद्धांजलि दी और उसके साथ साथ में हमने 2-3 चीजें और हमने इसमें साथ में की। एक हमारे मन की भावना ये है कि अटल जी हमेशा अपने बात में भाषण में कहते थे कि जो हमारा ट्राइबल का क्षेत्र लाहौल स्पीति, वहां का जीवन बहुत कठिन है, रोहतांग बंद हो जाता है, आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं, और ऐसी परिस्थिति में वहां पर टनल बननी चाहिए। टनल की आवश्यकता लाहौल स्पीति के लोगों को भी है और इस टनल की आवश्यकता सामरिक दृष्टि से भी, देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी आने वाले समय में महसूस होती है। और इस दृष्टि से उन्होंने उस टनल का शिलान्यास किया और आज अटल जी हमारे बीच में नहीं, वो टनल बनने के लिए लगभग तैयार हो रही है, दोनों तरफ से जुड़ गई, आना जाना शुरू हो गया। और हमने एक प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट मीटिंग में किया है कि इस टनल का नाम, रोहतांग टनल का नाम जो है वो अटल जी के नाम पर रखा जाए। ये प्रस्ताव, क्योंकि नाम केंद्र ने रखना है, हमने कैबिनेट की ओर से ये प्रस्ताव रखा है। और उसके साथ साथ में दूसरा जो है वो एक डैम जो है कोल डैम, जिसका शिलान्यास अटल जी ने किया था 800 मेगावाट का, तो इसका नाम भी हमने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके केंद्र से आग्रह किया कि इसका नाम भी अटल जी के नाम से, अटल जल विद्युत परियोजना के नाम से रखा जाए कोल डैम का। तीसरे और एक विषय पर हमने बात की तो हिमाचल प्रदेश में हमने एक नई योजना शुरू की थी स्वास्थ्य विभाग की, और उस योजना का नाम हमने रखा था मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, और उस योजना का नाम बदल करके हमने आज अटल आशीर्वाद योजना ये तय की। एक और शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण योजना, जहां वो योजना की शुरुआत अब हम कर रहे हैं, 10 बड़े विद्यालय जो हमने हिमाचल प्रदेश में आदर्श विद्या केंद्र के नाम से हमने जो योजना की शुरुआत की थी, इस योजना का नाम भी हमने अटल आदर्श विद्या केंद्र के नाम से हमने हिमाचल प्रदेश में किया। एक और निर्णय हमने आज किया कि मनाली में अटल जी का आना जाना होता था, बहुत उनका बहुत प्रिय स्थान था, तो हिमाचल प्रदेश के मनाली में अटल जी का एक स्मारक हम बनाएंगे। उसकी सारी मॉडलिटीज तय होंगी, सारी चीजों को लेकर के हम तय करें क्या क्या चीजें की जा सकती है, तो एक ये निर्णय किया। और एक और निर्णय हमने जो किया है वो ये निर्णय किया कि हिमाचल के शिमला का भी अटल जी के जीवन में बहुत एक स्थान रहा है, तो शिमला के रिज के मैदान या माल रोड पर जहां भी उपयुक्त स्थान हमको मिलेगा, अटल जी की भव्य स्टैचू, एक मूर्ति जो है वहां पर,
ये कब तक हो? तो मेरी सारी चीजों को प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसमें प्रोसेस लगेगा। सर आज आपने एक बैठक भी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, आपने यहाँ पे ड्रग्स और ये मैं पहले भी आपके बीच में कही थी बात की ड्रग्स का प्रचलन पिछले कुछ अरसे से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और सारी बात को लेकर के हम भी चिंतित हैं। और जब से हमने सख्ती की और उसमें हमने पाया कि बहुत बड़ी तादाद में हिमाचल से बाहर के लोग उसमें आए, चाहे वो स्मगलिंग करने वाले लोग हैं उसमें ड्रग्स की, चाहे सेवन करने वाले लोग, और इस दृष्टि से इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि हिमाचल के अंदर हम सख्ती तो कर रहे हैं, वो करना ही चाहिए, लेकिन दूसरे जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनका भी सहयोग उसमें लेना चाहिए। हमने इस संदर्भ में अलग अलग बातचीत की थी पहले, लेकिन अधिकारियों के स्तर पर भी बातचीत हुई, ज्वाइंट ऑपरेशन भी बीच में, उसके भी परिणाम अच्छे निकले, कुछ जगह गिरफ्तारियां भी हुई बड़े स्तर पर अभी कुछ अरसे में, लेकिन विचार आया कि भाई मुख्यमंत्री के स्तर पर ये बैठक होनी चाहिए। और इस विषय को मैंने शुरुआत की और अभी दिल्ली में जब अटल जी के निधन पर हम सब लोग इकट्ठे थे तो इस प्रस्ताव को मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री उनके समक्ष रखा, उन सबको लगा कि बहुत अच्छा विषय है, इस पर करना चाहिए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल की, उन्होंने कहा कि हम शुरुआत करते हैं, ने पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की, तो आज पहली बैठक जो है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का, तो मुझे भी जाना था, मौसम खराब होने की वजह मैं नहीं जा पाया वहां पर, लेकिन मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस बैठक का पूरा यहां से जो है उसका हिस्सा बनकर के हमने काम किया।